हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डे विद ताप्ती। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है, आपको देख के पता चल गया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ब्यूटिफुल होल्डर। एक्चुअली मैंने इसे घर पे ट्रांसफॉर्म किया है, एक घी का कंटेनर है एंड सेकंड वन इज बॉर्न मीटर। तो इट्स वेरी सिंपल, अभी लॉकडाउन है, हम घर पे हैं, बोर हो रहे हैं, तो इट्स वेरी कि मैं हम किसी भी चीज़ को यूजफुल बनाएं, उसे री यूज करें एंड अपना टाइम स्पेंड करें। सो फ्रेंड, लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। सो फ्रेंड, आई एम जस्ट टेकिंग दिस घी कंटेनर एंड इसको व्हाइट कलर से मैं एक्रेलिक कलर से पेंट करूंगी। एंड फ्रेंड, हम इसे डबल कोट पेंट करेंगे। सेकेंड वन इज दिस बॉर्नविटा, इसके रैपर को रिमूव कर लेना है। चलिए, ये पेंट हो चुका है हमारा, इसे हम साइड कर लेंगे, इसे ड्राई होने देंगे। एंड ये हमारा रैपर हटाने के बाद इसको भी हम पेंट कर लेंगे। फ्रेंड, ये प्लास्टिक है, इसे भी अच्छे से डबल कोट पेंट करना है। नाउ आई एम टेकिंग दिस रैपर और इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। ये कंटेनर सूख गया है हमारा और हम इसे इस कंटेनर पे पेस्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल और ग्लू आई एम पेस्टिंग दिस। इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे हम कंटेनर को। नाउ फ्रेंड, इट्स अप टू यू कि आप किसी भी पैटर्न और किसी भी डिजाइन से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। काफी मैंने पेस्ट कर लिया है। अब जो है लास्ट थिंग जो है, अब इसे लेमिनेट करेंगे हम फेविकॉल से। ऊपर से फेविकॉल लगाते हैं, फेविकॉल अच्छे से ड्राई हो जाता है, ये एक प्लास्टिक कोट बना लेता है। फ्रेंड, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, इट्स डन। अब हम इसे ड्राई होने देंगे एंड इट्स डन। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप भी जाएं, ऐसे बहुत सारे कंटेनर और होल्डर्स बनाएं और अपने किचन को, अपने घर को मेकओवर दें। एंड सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।